Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ज्ञान ज्योति दर्पण कामयाबी के कदम संस्करण के अंतर्गत आज एक खास सीरीज लेकर हम सत्यदेव जी महाराज के पास पहुँचे हैं। इन्होंने हिंदुत्व के ऊपर, भारतीय संस्कृति सभ्यता के ऊपर देश विदेश के अंदर प्रचार किया है। आज ऐसे महान विभूति जो अपने आप में दिव्य स्वरूप हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग के बहुत बड़े आइकन हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। भारत जो आने वाले समय के अंदर विश्व गुरु कहलाना शुरू करेगा, उस पायदान के ऊपर एक कदम सत्यदेव जी महाराज का, ऐसे महात्मा का संदेश आज हम सुनेंगे जिन्होंने भारत के बाहर दूर देशों के अंदर भी अपने इस दिव्य शास्त्र सत्य के संदेश को प्रचारित किया। वेदों को, धर्म ग्रंथों को, उपनिषदों को इन्होंने जाना और लोगों तक उस ज्ञान के दिव्य संदेश को पहुंचाया। तो अभी हम बात करेंगे महाराज श्री के साथ में, विशेष चर्चा आप बने रहे हमारे साथ। ज्ञान ज्योति दर्पण का ये कामयाबी के कदम विशेष संस्करण लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। तो मैं सबसे पहले महाराज श्री आपको नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, ज्ञान ज्योति दर्पण परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आपका जो दिव्य संदेश है वो पहुंचे। सत्यदेव जी महाराज, तो आप हमारे को ये बताएं कि भारत और भारत के बाहर हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, इसका क्या प्रभाव विदेशों में पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं ज्ञान ज्योति दर्पण परिवार को कामयाबी के एक कदम की ओर, इस पर मैं उनको जो शुरुआत की है उसके लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि ये परिवार और उन्नति करे और जो है महापुरुषों का जो संदेश है वो समाज में उसे जो है समाज में उसको जो है फैलाएं, जन जन तक उस तक पहुँचाएँ। उसके लिए मैं ज्ञान ज्योति दर्पण परिवार को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। हमारा जो वैदिक ज्ञान जो विदेश में पहुंच रहा है, उसके लिए आपको विदेश में जाने का मौका भी मिला है, तो वहाँ कैसा लग रहा है? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ज्ञान पनपता है। भारत ने ज्ञान को जन्म दिया है, या यूँ कहिए कि भारत ज्ञान की भूमि है। तो ज्ञान के बिना तो मनुष्य का जीवन ही बेकार है। तो भारत में जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने देश और विदेशों की यात्राएं करके जन कल्याण के लिए अपने शुभ विचार जो है वहाँ पर प्रकट किए हैं, जनमानस को जो है धार्मिक बनाया है, धर्म की ओर उनका रुख किया है, अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को उनमें पिरोने की कोशिश की है। महाराज श्री, आप युवाओं के लिए कोई विशेष संदेश जो लेकर के? मैं युवाओं के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का युवा जो है वेस्टर्न कल्चर में फंस गया है, पश्चिमी सभ्यता को ध्यान में रख करके चल रहा है। उसका रहन सहन, खान पान, सब कुछ जो है उसका बदल रहा है, जिसके कारण आज का युवा जितना टेंशन में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस उसके माइंड में है, आज सुसाइड जो है आज के युवा इतने कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा यही संदेश है कि अपने जीवन को बर्बाद ना करें, अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाने के लिए अपने बड़े बड़ों का आदर करें और अपनी संस्कृति को जान करके जो है अपने धर्म का निर्वहन करें। डिप्रेशन से दूर होने का, चिंताओं से मुक्त होने का कोई उपाय आप समझते हैं, कोई विशेष? डिप्रेशन, चिंताएं या स्ट्रेस जो भी है, उससे दूर होने का एक ही मार्ग है, अध्यात्म। हमें अपने संस्कृति को पहचानना होगा, अपने सभ्यता में जीना होगा और अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना होगा। आज जो हालात बन रहे हैं चारों तरफ, जो आतंक है, दहशत है, खून खराबा, कत्लो गारत है, मानव को जो है एक आप नहीं देख पा रहे, तो इसको सुधार कैसे पाएंगे, उनको कैसे सुधारेंगे? इसको
सुधारने के लिए तो देखिए लोग मृत्यु को भूल गए हैं। यदि मृत्यु याद रहती है तो हमारा अध्यात्म भी कहता है कि आपको ज्ञान की आवश्यकता है। यदि अध्यात्म से मृत्यु को हटा दिया जाए तो अध्यात्म भी कोई कुछ नहीं रहता है। इसलिए जो आतंक है, जो भी है, वो लोग अपनी मृत्यु को भूल चुके हैं कि हमें भी मरना है एक दिन। इस ऐसे कदम वो इसलिए उठा रहे हैं। ये जो पश्चिमी सभ्यता है, जो दूरदर्शन है, जो बाहर के न्यूज चैनल हैं, जो बाहर का साहित्य है, वो आज की युवाओं ने अपना लिया है, इसी कारण से विकृति आई है। आवश्यकता किस बात की महसूस होगी कि हम क्या करें जिससे कि हमारे परिवारों के अंदर प्रेम, स्नेह और आदर की भावनाएं जिंदा रहे। स्वार्थ की भावना छोड़ें, परमार्थ अपनाएं, लेने की बात छोड़ें, देने की बात करें, प्रेम लेने की बात ना करें, प्रेम देने की बात करें, तो ठीक पहले जैसा हाल हो जाएगा। आप अपने जीवन की जो ना कोई खास ऐसी जानकारी हमें दो जिससे कि बार बार आपको कोई प्रेरणा मिली हो या इस धर्म अध्यात्म मार्ग के ऊपर चलने का आपको रास्ता जो मिला है इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें विशेष आई होंगी। कोई साधु मिला हो, कोई आपका श्रद्धालु मिला हो, कौन सा नई चीज जिससे निकल गए जो दूसरों को प्रेरणा दे पाए वो बताए। मेरे जीवन में एक घटना घटी कि मुझे मेरे गुरुदेव की प्राप्ति हुई और उन्हीं के आदर्शों में रहकर के मैंने अपने जीवन को जिया है और उनके जीवन में मैंने देखा है कि प्रेम क्या होता है। उन्होंने प्रेम को अपनाया है, प्रेम दिया है और प्रेम ही उनका जीवन है, यही उनका संदेश है और इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो हम भी चाहेंगे कि आपके गुरुजी के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिले, उनका नाम। हमारे गुरुदेव जो है आज की उम्र में लगभग 110 वर्ष के हो चुके हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण माता श्री राम भजन जी महाराज हमारे गुरुदेव हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं वो और इस उम्र में भी पूर्ण आध्यात्मिक हैं और अध्यात्म का ये चमत्कार है कि वो इस उम्र में भी किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है। बिना कोई चश्मा नहीं लगाते हैं, बिना चश्मे के देखते हैं, बिना लाठी के चलते हैं और उनकी बॉडी में कुछ भी पेन नहीं है, ना उनको चिंता है, ना टेंशन है, ना डिप्रेशन है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो आज आप मूर्थल में आए हो तो मूर्थल में ये जिस संस्था में आए हैं इनके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे। मेरा सौभाग्य है कि मूर्थल मेरी जन्मभूमि है और इस मेरी जन्मभूमि में बाबा बिशनदास जी महाराज जो अग्रवाल परिवार में हुए हैं, वो अग्र परिवार के जो पूर्वज हुए उनके अंशजों ने जो है उनके नाम पर इस भवन का निर्माण किया है और आज कथा का चतुर्थ दिवस है। मैं यहाँ पर कथा करने के लिए लगभग प्रतिवर्ष आता रहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरी जन्मभूमि भी है, मैं यहाँ का रहने वाला भी हूँ और यहाँ आकर जब कथा सुनाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय दिया, मैं तहे दिल से आपको वंदन करता हूँ, आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ और दर्शकों के लिए विशेष कि आपको इस महान व्यक्तित्व के संदर्भ में जो ये विचार सुनने को मिले हैं ये सिर्फ विचार ही नहीं, ये जीवन निर्माण की एक ऐसी कला है जो आपको जीवन जीने का ढंग सिखाती हैं। इन्हीं के साथ में नमन करता हुआ और आपसे विदा लूँगा। ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए नरेंद्र शर्मा परमाना।